जी तो यार ये हमारा नाश्ता आ चुका है, ये चंद एक पापे और साथ ये बची कुछ चाय। इन सब ने नाश्ता वाश्ता कर लिया और बची कुछ चाय मुझे दे दी है। और आज सब घर में भाई कलर डे चल रहा है, आज घर में कलर डे चल रहा है। और मैंने सोचा मैं भी कलर करवा लूँ, बाल दिए देखें सारे सफ़ेद हो रहे हैं तो हमारे भी कलर होगा। तो चलें पहले नाश्ता करते हैं, चलो तरफ फिर आपसे मिलते हैं और इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जी तो यार नाश्ता वाश्ता करके ऊपर आए हैं और अभी नहाएंगे क्योंकि अभी गैस तो आ नहीं रही और लाइट भी गई हुई है, कपड़े भी इस्त्री नए हुए हुए मेरे, तो मैंने कहा ऊपर आए, ये चीख रही थी इतनी तो मैंने कहा ऊपर आके देखूं क्या हुआ। तो मैं आता हूँ तो मेरे पीछे ऐसे भागती हुई आएंगी क्योंकि इनको पता है मैं कुछ ना कुछ इनको डालता हूँ दाने में। और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई ये वाली मुर्गी, नहीं ये वाली नहीं, वो ग्रे वाली मुर्गी और ये वाली ब्राउन वाली मुर्गी, ये भी भाई अंडा देने लग गई हैं। छोटे छोटे से अंडे होते हैं और अब माशाल्लाह डेली के 7-8 अंडे आराम से आ जाते हैं, यानी कि डेली के 7-8 अंडे दे रही हैं। माशाल्लाह 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 आप भी बोल रहे हैं यार। और वीडियो स्टार्ट होती है आपने देखा और आपने थंबनेल भी देखा होगा भाई के तोते शोते आ गए। तो यार हमने नहीं लिए, वो दोस्त ने लिए थे, हम वहाँ पे देखने गए थे तोते शोते, तो मैंने वीडियो बना ली थी थोड़ी सी, तो हम भी ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। तोते बहुत जल्दी लेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले, जो इसको बोलते हैं यार ऑस्ट्रेलियन तोते बोलते हैं, और एक फिंच चिड़िया होती है फिंच, इतनी इतनी सी होती हैं और इतनी वो चीखती है ना भाई, ची 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 करती रहती है। ये देखें हमारे जो शूज़ कल मैंने धोए थे ना कैसे चमक चुके हैं, मैं आपको करीब चल के दिखाता हूँ। ये देखो कैसा यार रेड कलर उभरा है और वाइट कलर देखो इसके साइड से कैसा हुआ, अब ये शूज़ बिल्कुल चमक चुके हैं। अब इनको जो लेसिस वगैरह कल मैंने धो दिए थे वो इनमें डाल के एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। और दूसरे अपने ब्लैक वाले हैं वो भी आज धो ही देंगे क्योंकि ये शूज़ ना कोई महीने दो महीने बाद धोता हूँ मैं और ऐसे चमका देता हूँ। मैं अपने शूज़ और कपड़े भाई ऐसे फर्स्ट क्लास रखता हूँ ना, गंदे शंदे नहीं करता भाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहते हैं अपने कपड़े भी और अपने शूज़ भी। तो नीचे अभी मैंने कहा यार बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं, ये आप देखो ये नज़र आ रहे होंगे आपको ना, बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे और रफ़ हो रहे थे, तो मैंने कहा इस पर हल्का शल्का कलर शलर हम भी कर लें यार, बुड्ढे लग रहे हैं बुड्ढे। तो अभी कलर को नीचे मिक्स करके आया हूँ, फिर कलर वगैरह लगाएंगे और उसके बाद कपड़े शपड़े प्रेस करके नहाएंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे और आपको अपनी एक नई लुक दिखाएंगे। अभी आप देख लें ये जो आपको बुड्ढा बाबा नज़र आ रहा है ना, अभी कलर हो गया आपको एकदम बाबा नज़र आ जाएंगे, जवान ही है यार, ऐसी बात नहीं है। तो चलें नीचे चलते हैं, कलर शलर लगवाते हैं बालों में और कपड़े शपड़े प्रेस करके इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। जी तो यार ये देखें नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और अब खाने का टाइम हो चुका है, तो घर पे बना है मटर पुलाव साथ ग्रीन चिली और टमाटो की चटनी और साथ मिक्स सलाद, ये देखो भरा हुआ, और ये साथ मेरी चटनी का कटोरी भरी हुई है। और हमने कलर शलर लगा लिया सर, बाल वगैरह धो लिए, आप देखें आपको चेंजेस लग रही होंगी, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए, बिल्कुल ब्लैक बाल हो चुके हैं और जो वाइट वाइट बाल थे बिल्कुल छुप चुके हैं। और हमारे जो बाल सैलून के जो यानी कि मिसेस थी वो ये बैठी हैं मेरी, हंस हंस के मुझे देख रही हैं। खाना खाते हैं अपना और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं सही से कलर कैसा हुआ भाई। जी तो यार आप देखें यार मैंने आपको एक साइनमेटिक शॉट लेके ना पूरा राउंड अबाउट यू 360 लेकर मैंने आपको बालों का कलर दिखाया, और पिछले जो व्लॉग्स मेरे दोस्त देखते आ रहे हैं वो पिछले व्लॉग्स में मुझे और अब व्लॉग में क्या आपको डिफरेंस नज़र आया यार, बालों में डिफरेंस नज़र आया कि नहीं नज़र आया लाजमी बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ भाई मैंने कलर कौन सा करवाया, मैंने बिल्कुल यार ब्लैक नहीं करवाया, ये ब्लैक है लेकिन इसके अंदर ना
हल्की हल्की शाइन ब्राउन की भी है, क्योंकि मेरे ये जो बियर्ड के और मुस्टैचेस के बाल ना बिल्कुल ब्लैक नहीं है। अगर आप ये देखें गौर से देखें ना, तो इसमें कहीं कहीं ये ब्राउन बाल भी आ रहे हैं हल्के हल्के ना। तो अगर मैं सादे सिर्फ ब्लैक बाल करवा लेता ना तो अजीब से लगते, तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल सेम टू सेम करवाएंगे। अब ऐसा नहीं लग रहा, आप देखें अब ये नहीं लग रहा कि ऊपर से चेंजेस है नीचे से चेंजेस है, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। ऐसा लग रहा है रियल भाई रियल हेयर है। लेकिन ये बाल मेरे वाइट यार बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि मुझे रहता है फ्लू, और फ्लू की वजह से, और हम भाई सोचते बहुत होते हैं, कहते हैं कि जो ज्यादा सोचता है ना उसके बाल वाइट हो जाते हैं। अजीब यार अजीब साइकी है ये, मुझे इन चीजों की समझ नहीं आती कि भाई ज्यादा सोचो तो बाल वाइट हो जाते हैं। अजीब भाई कोई साइकी है। और दूसरा मैंने आपको जो वीडियो में पहले दिखाया भाई, ओ ये भी दिखा दूँ यार, ये देखो नई वाली शर्ट पहनी है कैसी लग रही है, ब्लैक और ग्रे डॉट्स में है। ये देखें तो करीब से देख लें आप, ये देखो ग्रे डॉट्स में यार कैसी लग रही है शर्ट, लाजमी बताना यार। ये ब्लैक है और आस्तीनों के फ्रंट पे भी ब्लैक डॉट्स में ग्रे है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो स्टार्ट होते हुए आपको पैरट्स वगैरह दिखाए थे, वो हम एक दोस्त के यहाँ गए थे, उनके यहाँ भाई एक दरख्त लगा हुआ था, उन्होंने दरख्त का ऊपर वाली जो जड़ होती है ना जड़े वड़े वो काट दी थी, और उसके साइडों में पूरा जंगला बना दिया था यूँ चौरस करके ना, और उसके अंदर उन्होंने वो पैरट्स रखे हुए हैं, और वो हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, और कुछ यानी कि नायाब किस्म के परिंदे भी हैं। और वो भी बोल रहा था कि और भी मैंने पिंजरे बनवाने हैं जिसमें फिंच चिड़ियाँ रखनी है। फिंच चिड़ियाँ भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी इतनी सी होती हैं और भाई इतनी तेज़ होती हैं, इतनी शरारती होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई। मैं भी सोच रहा हूँ कि ऊपर मैं बनवाऊंगा इनके लिए, चिड़ियों के लिए और तोतों वगैरह के लिए ना, ये लास्ट भी मैंने पिंजरा बनवाना है भाई, बहुत ज़्यादा शौक है, या ऊपर बनाऊंगा या नीचे बनवाऊंगा। और एक और चीज़ मैंने जो सोची हुई है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करवानी है यार, मैं आपको बताता हूँ। इस कमरे में आगे हम इस कमरे में ना यार हमने बनवानी है अलमारी, ये जो सारा ये कचरा वचरा ना इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे अलमारी बनेगी, यहाँ पे अलमारी बनेगी। तो हमने जो सोचा है, मैंने और पापा ने हमने जो सोचा है, इस साइड पर अलमारी आएगी, इस साइड पर अलमारी आएगी, ये यार ये जो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रहा है ना ये कम हो जाएगा, और बीच में जगह रह जाएगी, वो किस चीज़ के लिए, यहाँ पे एलईडी लगेगी भाई बड़ी वाली। और उसके नीचे मैंने जो सिस्टम यहाँ पे बनवाना है ना भाई, वो बनवाना है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, वो बनवाना है भाई एक्वेरियम, मछलियों के लिए एक्वेरियम, यानी कि ऊपर एलईडी और नीचे मछलियों के लिए एक्वेरियम, उसमें लाइटें जल रही होंगी यार नियॉन लाइट्स, ओह क्या गजब का हो जाएगा, मम्मा और का कमरा तो बेस्ट टेस्ट हो जाएगा। ये वाले कमरे में पैलिंग शैलिंग है, और ऊपर वाले कमरे में भी इंशाल्लाह ताला अलमारी वगैरह बनवाएंगे, उसको पूरा अपना कमरा सेट करेंगे, क्योंकि ये वाला कमरा जो दूसरा हमारे वाला कमरा है ना उसमें बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है, ऊपर वाला कमरा बिल्कुल सुकून का है, उसमें दरवाजे दरवाजे चेंज करवाएंगे, दूसरे सिंगल जो दरवाजे होते हैं अलमारियाँ एल्यूमिनियम की लगवाएंगे, ऊपर विंड सब कुछ यानी कि काम शाम करवाना है, ऊपर ही अपना सारा काम होगा। ये जो स्टूडियो यहाँ पे करवा रहा था ना मैं, ऊपर का आपको दिखाया था, ऊपर ही बनेगा भाई स्टूडियो, अलमारी भी ऊपर अपनी, सारा कुछ कवर्ड वबर्ड सब कुछ A1 करवाना है, पूरा अपना रूम सेटअप करवाना है। और इंशाल्लाह तआला जब शुरू करवाएंगे तो उसकी भी एक कंप्लीट सीरीज बनाएंगे भाई, अपना रूम कैसा बन रहा है, स्टूडियो कैसा बनाएंगे उसके अंदर, और PC-VC नया बिल्ड करवाएंगे ना, तो इंशाल्लाह तआला आप देखेंगे कि भाई का रूम कितना खूबसूरत हो गया। तो आज का जो था भाई सीन यही था कि हमने बाल शाल जो कलर करवाए थे, आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगे, और आप लोग कौन पसंद करता है यार बालों में कलर करवाना, क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने बालों में यार वो वाइट वाला जो आजकल कलर चला हुआ ग्रे वाला वो करवा लेते हैं, कभी ब्राउन कभी रेड कभी कुछ अजीब अजीब कलर करवाते हैं, मुझे वो नहीं पसंद भाई, मुझे ये सिंपल सोपर सा पसंद है भाई। तो आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर लाजमी करें, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो मस्त है, कुछ भी दिल के दुआओं में याद रखा करें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, कल के एपिसोड में, कल की वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तमाम प्यारे दोस्तों को यूट्यूब की पूरी पूरी फैमिली को अल्लाह हाफिज़।